अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन जो भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस कासम शेख, उन्होंने शांति नगर, गायत्री नगर का जो एरिया है वहां का दौरा किया और यहां पे काफ़ी जो समस्या थी लोगों की, यहां के सड़कों की, पानी की, तो उन सब के ऊपर उन्होंने दौरा करके चर्चा किया कि इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए। तो हमारे साथ में यहाँ के एमएलए रईस कासम शेख है, तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस दौरा, ये जो दौरा था आज का, ये किस सिलसिले में था, किस रिगार्डिंग था। रईस भाई, जो आपका आज का दौरा है तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस सिलसिले में जो आपका दौरा हुआ आज। नहीं, हमने आज चार वार्ड लिए हैं, मैं पूरे ईस्ट और वेस्ट का दौरा कर रहा हूँ। आज चार वार्ड हमने कम्प्लीट किए, 9 नंबर से शुरू किए थे। बहुत से ऐसे काम थे जो मेरे आने के बाद ही हो के पॉसिबल थे, जैसे कि आप यहाँ आ रहे हैं, एक लास्ट मस्जिद तक MMRDA नहीं बना रही थी, अब ये पोर्शन 50 मीटर का ले लिया गया। बहुत से बॉटल नेक थे, हमारा जो जब्बार कंपाउंड का रोड है 100 मीटर का वो, फिर कई जगह पे ऐसे प्रॉब्लम थे कि कोई और सॉल्व नहीं कर सकता था, तो वो सारी चीज़ों को लेकर आज हमने कम से कम 12-15 बड़े काम भिवंडी के लिए हैं और उसमें से ज़्यादातर काम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारे साथ MMRDA, PWD, कॉरपोरेशन सब है, हर जगह के प्रॉब्लम। जैसे चचा को आप देखेंगे, मस्जिद का काम था, मेरे ख्याल से कितने साल से परेशान थे आप। अरे हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं ना। हाँ, तो वो भी सॉल्व हो गया, ये 50 मीटर का रोड बना रहे हैं, काफी काम कर, पानी की काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो काम है, ये PWD के अंडर में आता है क्या, कॉर्पोरेशन के अंडर आता है? ये है MMRDA का काम, लेकिन MMRDA का टेंडर है ना, वहाँ खत्म हो गया गायत्री नगर चौक पे, लेकिन वो काम को पूरा कंप्लीट करके लास्ट तक करा रहे हैं। मस्जिद वगैरह के काम नहीं थे, किसी के नहीं होते, हम ही करवा रहे हैं। बहुत से काम लिए, 10-12 काम ऐसे लिए हैं जो मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि लोगों ने, आवाम ने ऐसे काम बताए कि जो बरसों बरस से अनरिजॉल्व थे और वो आज जो है, हम लोग जो उम्मीद है कि आने वाले 2 महीनों में तो सॉल्व भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। कि कुछ हमारे नगर सेवक वो आरोप लगाते हैं कि जो हमारे आमदार है रईस शेख, वो कॉरपोरेशन के कामों में दखल देते हैं, ये कहाँ तक सही रहेगा? ऐसा नहीं है, नगर सेवक सब हमारे भाई है, लोक प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि होता है, फंड पब्लिक का होता है, ना मेरा होता है ना तेरा होता है, पब्लिक टैक्स पे करती है, चाहे महानगर पालिका को चाहे शासन को, पैसा पब्लिक का है ना, मेरा है ना उनका है, और लोक प्रतिनिधि रहता है ना, ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं। फिर भी सारे नगर सेवकों को साथ में लेके मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, या अगर कहीं काम कर रहा हूँ तो उनका लेटर ले रहा हूँ, तो हम लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये इस रोड की हालत, ये शांति नगर से जो गायत्री नगर के लिए जो रोड गया है तो कितना ही खस्ता हालत है, और ये पूरा स्लोप है, ये ऑलमोस्ट 45 टू 50 डिग्री का जो है यहाँ पे ये एक एलिवेशन है। तो इस रोड पे जो है यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक, अगर लोडी गाड़ियाँ रहती है और उनको ब्रेक मारना पड़ता है तो डेफिनेटली वो पीछे आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे रिपेयर करने का, या तो इसको ना, इस रोड को कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे आज आमदार रईस शेख आए थे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया, और साथ में MMRDA के इंजीनियर्स भी थे, तो उन्होंने भी देख के बताया कि इस रोड की जल्द से जल्द बनाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से आमदार साहब ने यहाँ पे ये बात को क्लियर किया है कि जो भी काम है वो जनता का होता है, ना ही कॉरपोरेशन का होता है, ना PWD का होता है। तो इस बात से समझ में आता है कि यहाँ पे लोगों के हित में काम हो रहा है, ना कि कॉरपोरेशन देखा जा रहा है, ना कि PWD देखा जा रहा है, ना किसी का पक्ष देखा जा रहा है। तो ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।